मिठाई लोगों के साथ अगर कार में आ रहे हो रोड ट्रिप कर रहे हो तो एक चीज बड़ी बुरी रहती है, सोय मकमक। नो सोय मकमक। यू नो मी संजय। हाँ ओके। बोथ गर्लफ्रेंड माय अंडरवेयर। कल हमें सुबह ट्रिप के लिए निकलना है और पैकिंग करने से पहले हमें लेने पड़ेंगे ATK टेस्ट। तो हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक डायमी का एक मेरा ऑब्वियसली। हम दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। वन लाइन, इट मींस लेट्स स्टार्ट पैकिंग, लेट्स डू इट। पीछे इतना बड़ा सारा दिख रहा है ना, ये सारे डैमी के कपड़े और मेकअप है। ये मेरा लैपटॉप वाले बैग उसके अंदर ही ले जा रहा हूँ, सारी चड्डी बनियान जो भी है। बहुत व्हीली ना हो जाए मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी तो पीछे बैठ रखा हूँ मैं इतने बड़े बैग के साथ। यो बॉस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया अभी तो ठंड फट रही है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसने तो पूरी दुकान पे चढ़ा दी। डैमी को भूख लग रही है, ये गधा मजदूरी। पार्सल देना था, हो गया। अब चलते हैं सीधे जहाँ पे इसके दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। ये लोग लेट कराते हैं, इस बार हमने लेट करा दिया। ये ले, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। This time we made them late. One coffee latte launch. ये लोग बोल रहे थे कि निकलते हैं, मैंने बोला नहीं, कॉफ़ी पिए बिना तो बाबा कहीं नहीं हिल रहा है, क्योंकि सुबह मैंने एक कॉफ़ी कॉफ़ी पी है, नींद पूरी नहीं है, कॉफ़ी ज़रूरी है। तो मैं बस केवल 5 मिनट वेट करो, यहीं से पैक कराऊंगा, रास्ते में पियेंगे, पर कॉफ़ी के बिना नहीं हिलेगा बाबा। हमारे बाबा की लाटे ग्रीन टी लाटे चेक। टट्टी लाटे, एकदम टट्टी। नाम नहीं बताऊंगा कैफे का, बेमतलब का डी फेम करने का कोई मतलब है नहीं। ढाई घंटे की ड्राइव के बाद हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। थाई लोगों के साथ अगर कार में आ रहे हो रोड ट्रिप कर रहे हो तो एक चीज़ बड़ी बुरी रहती है, क्योंकि पूरे टाइम ये लोग अपने वो थाई गाने बजाते हैं, जो कि मुझे पल्ले पड़ते नहीं, ऊपर से सर और दुख जाता है थोड़ी देर बाद। मतलब आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया सुन लिए, उससे ज़्यादा कितना बर्दाश्त कर सकता है आदमी। तब तो चाहिए ना, या तो इंग्लिश चलाओ, हिंदी चलाएंगे नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी थकान हो रही है मुझे, थोड़ी तबीयत भी मेरी सही नहीं थी, पर मैंने ट्रिप के लिए एक हफ्ते पहले ही हाँ करी थी और सारी बुकिंग हो चुकी थी, तो कैंसिल करने से मतलब नहीं है, सारा पैसा डूब जाता। पर डैमी ने जो पिक्स दिखाई है से थोड़ा मूड मेरा अच्छा हो चुका है। पिक्स काफ़ी कूल है, जो इन लोगों ने मिनी क्रूज कह लो उस चीज़ को, जो पूरी उन लोगों ने बुक कराई है, काफ़ी सेक्सी लग रही है। तो मैंने सोचा कि टोपी खरीद लेता हूँ, पर ये जो दीदी ने टोपी दी है तुम्हारे बाबा के खोपड़ी पे फिट ही नहीं आ रही। ओके, दिस इज बिग। ओ सोय मकमक। नो सोय मकमक। दिस साइड ओके, सोय मकमक। अपन का उतरते ही मछलियों की ऐसी बदबू आ रही है ना, ऑयल ये सब क्या है, क्या बास आ रही है गंदी वाली। मैं नहीं जानता किसको हाई कर रहा हूँ मैं, बट योक योक मैं चिल्ला रहा हूँ ना, मुझे पता भी नहीं कुछ। व्हाट्स योर नेम? योक योक मिन 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 यस यू नो मी संजय संजय हाँ ओके ओके हाय हाउ आर यू And you? Huh? You look good. धन्यवाद। Yes. धन्यवाद। Yes. काफी देर तक, कम से कम 6 से 7 घंटे शाम तक ही मिनी क्रूज में इनकी रहने वाले हैं, तो गोली ले रहे हैं नॉट टू गेट सी सिक। ओके लेट्स गो। अपन का वो 2 मिनट के लिए झिझक गया डैमी, आई वाज लाइक वो 2 मिनट के लिए डर गया बेचारे, खौफ दे दिया, बोले किसको ले जा रहा हूँ बोट पे।
भाई यार क्या जगह है, प्यार हो गया। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आ रहे हैं, अलग ही वाइब आ रहा है मस्त वाला। आप सोचो 6-7 घंटे केवल इस बोट में ही, इनकी तरफ से क्रूज पे ही काटना है, पर ठीक है क्रूज ही बुला लेते हैं क्या जाता है और तो ठीक है। पर यार क्या शानदार जगह है, देखो वो जो लोग बैठे हुए हैं उधर, वहाँ पे इवनिंग में बैठेंगे, खाना वाना होगा, मस्त सनसेट देखेंगे, कहीं पे रुकेगी ये बोट ऑब्वियसली। पर यार बॉस मजा आ गया यार, क्या फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है यार, क्या शानदार है, देखो सामने आ, बाबा खुश हुआ, बाबा खुश हुआ। भैया मैं वहाँ पे फोटो ले ली है, ले रही है, और यहाँ पे पूरा बैठने का इंतजाम है, यहाँ पे आराम से बैठेगा। क्या व्यू आ रहा है, और सॉरी फोटो लेना दो उसको, फिर बात करते हैं। ये जगह बड़ी ट्रिकी है, यहाँ पे गिर गए ना तो सीधे मुंह भी टूटेगा, सब कुछ ही टूटेगा एक्चुअली। कम डे में हाँ ओके, अगर यहाँ से शूट कर लेता तो उसने ड्रेस पहन रखी है तो नीचे ले नहीं सकता नीचे से ऊपर का शॉट। भाई मैं फोटो के चक्कर में भी भेड़ देता आगे, बताए वो बीच में आ गया कैप्टन साहब, वरना तो अभी हो जाती। सही बता रहा हूँ, वो बोट है ना जो दिख रही है सामने जाती हुई, उसके लिटरली बहुत ज़्यादा पास तो नहीं पर काफ़ी पास होना चाहिए था, टाइटैनिक बन जाता हम लोगों का, सही टाइम पर आ गया कप्तान साहब। मैं अपने फोटो के पोज दे रहा हूँ और बीच अंकल जी बोल रहे हैं कि अरे ए कमेंट डाउन बिलो कि पॉप और डैमी दोनों की दोनों सेम नहीं लगती, फेस हाँ फेस सिमिलर लगता है काफ़ी, लुक सेम हाँ। तो बोथ गर्लफ्रेंड सेम व्हाट सेम व्हाट इज दिस बीच नेम। तो भैया जो बीच सामने दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे थोड़ी देर शायद चिल करेंगे, स्नॉर्कलिंग भी शायद यहीं पे करवाएंगे, और कौचांग कौचांग जान कौचान गरम जो जा सकता हूँ क्या लटकते हुए बिल्कुल पीछे से, तो बोलते डाई खाप, मैं बोला कि डाई खाप मतलब होता है यस राइट, मुझे लगा डाई खाप कि अगर ऐसे जाएगा तो मर जाएगा। डाई खाप एकदम देसी स्टाइल में, चट्टी सब कुछ सुखा दिया है। अब क्या करूँ यार, मुझे लगा कि डैमी ने रख दिए होंगे मेरे कपड़े, मेरा गिम्बल और कपड़े दोनों के दोनों डैमी कार में भुलाई, और हाँ ये तो मेरी गलती है, हर चीज़ मेरे को डैमी पे नहीं थोपनी चाहिए। तो मस्त तुम्हारा बाबा नीचे टावल लटका के बैठा हुआ है, नीचे नहीं जा सकता ना, अभी खाना वाना लगेगा आधे घंटे में, तो थोड़ा ऊपर सुखा लेते हैं कपड़े, क्योंकि नीचे गया इस हालत में तो बेमतलब में गहने दिख जाने हैं। अबे साले अब ऐसे सुखानी पड़ रही है भैया, वैसे ही सूखेगी अब, चट्टियाँ दिखे जिसको दिखे। अब मैं क्या संभालूँ, या तो चट्टी उड़ने से बचाऊँ या मैंने जो टाल पहन रखा है वो बचाऊँ, दोनों ही उड़ रहे हैं मेरे। हाँ माई अंडरवेयर गेम चिल्ला रही है, व्हाट इट इज संजय मैं बोला अंडरवेयर। यू नो फर्स्ट आई थॉट दे गोना सर्व शैंपेन बिकॉज़ द ग्लास आर लाइक दिस। या आई विल टेस्ट हाउ टू सक हाउ ऑल और व्हाट सब पिलपिला सा आया कुछ अंदर, काबोनारा जो भी स्पैगेटी थी वो अभी नहीं लेता, थोड़ी बहुत लेता हूँ और बाद में मंगा लेंगे वापस ऑर्डर कर देंगे, पता चलता है वो जितनी थी उतनी है लिमिटेड, उसके बाद और नहीं मिलेगी। मम्मी सही कहती थी खाने के मामले में ना हमेशा आगे रहो, लगता है किसी ने बात सुन ली काबोनारा वाली, किसी ने अपनी प्लेट में से रख दिया कि बेचारा। थैंक यू भाई जिसने भी ये रखा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये भाई साहब अपना वजन से
पूरी हवा निकाल रहे हैं इसकी। हाउ लॉन्ग यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस? सही है, इसलिए मस्त एकदम साइज बना रखी है अंकल जी ने इसकी पूरी हवा निकालने के लिए। थोड़ी देर पहले मुझे बोलते तो मैं भी लेट जाता इनके साथ ही। तो इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है, यहाँ से अब बोट जाएगी, पता नहीं कोई पॉइंट पे जाएगी जहाँ से सनसेट देखेंगे, वहाँ पे रुकेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे जहाँ पे हमने विला बुक कराया है। वहाँ पे इसके और भी दोस्त हैं डैमी के, जो जिनको ये सब नहीं करना था वो ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो सुबह से विला में ही चिल मार रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे वहाँ पे जाके, रात भर मस्ती होएगी, पार्टी होएगी। मस्त यहाँ से व्यू दिख रहा है, फोटोशूट चल रहा है लोगों का। डैमी नीचे गई है, जितना खाया निकाल लें, ज़्यादा पेल लिया उसने कुछ। डू इट डैमी, पोज पोज, लूज मोशन। सर्विस है यार यहाँ पे, टाइम पे जो मांगो मिल जाता है, मतलब जो मांगो नहीं, जो अवेलेबल है वो मिल जाता है। एप्पल जूस, टेंशन मत लो, एक बार कह दिया दारू छोड़ दी तो छोड़ दी। एप्पल जूस से पिछला वाला व्लॉग याद आ गया जो प्रैंक किया था, समझ गए जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा भाई और क्या चाहिए, क्या सही फैसिलिटी है। ओ हो, फ्रेंच फ्राइज, लॉन लॉन, कब प्यारा सनसेट रहेगा। तो वीडियो करते हैं पैंट अगर इंस्टाग्राम पे जाके वालों ने किया, तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा तो जाके वालों को रस्ते वाला डिस्कोर पे, और मैं सोचा इससे बढ़िया जगह क्या होगी व्लॉग एंड करने की, तो यहीं पे एंड कर देते हैं। और जो अब जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे विला बुक कराया है, पार्टी करेंगे वहाँ पे रात भर, उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। और लैपटॉप मैं इसलिए लेके आ रखा हूँ कि आज रात को थोड़ा देर जग के ये वाला आज पूरा दिन का व्लॉग एडिट करके कल तक मैं डाल दूँ, कल संडे है। रेस्ट प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू, स्टे अवारा। क्या पोज है, वाव, इतने सारे फोटोग्राफर केवल इस पोज को लेने के लिए।